में दूसर प्रदेश ले वापिस अवैया मजदूर मन ला कोरोना वायरस के संक्रमण ले बचाए रखे के खातिर 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखे जावत है, ताकि कोनो भी मजदूर कोरोना वायरस ले संक्रमित जन हो। क्वारंटीन सेंटर में ओमन ला कोई प्रकार के परेशानी मत हो, एकर खातिर ओमन के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षा पर शासकीय कर्मचारी मन की ड्यूटी घलो लगाए गए है। फिर मजदूर मन की सुरक्षा में लगाए गए कर्मचारी ही मौका ले नदारद हो जाए तो का हो ही? कुछ ऐसन ही हो है जांजगीर में, देखो ये रिपोर्ट। जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ रामनगारची और अभी हमन खड़े हुए जांजगीर चांपा जिला के बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत खैजामा। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए है, वो माँ कम से कम 42 से 43 मजदूर मन रखे गए है। और सबसे बड़े बात में निकल के ये सामने आवा थे कि यहाँ जो शासन के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि 24 घंटा उम्र के निगरानी में कोई ना कोई जनप्रतिनिधि लाए मेरे बैठना करके। लेकिन हम आप लोग ये भी बताना चाहते हैं कि ये मेरा आप देख सका था कि जनप्रतिनिधि मन कोई उपस्थित नहीं है, जबकि केवल 2 जन शिक्षक मन ही पूरा क्वारंटाइन सेंटर के पारभार ला दिए गए हैं। अब सबसे बड़े सवाल ये होते कि अगर अचानक ककरो तबियत खराब हो जाते क्वारंटाइन सेंटर में, तो उनकी जिम्मेदारी ली कौन? काबर की जनप्रतिनिधि मन ला रहना है और वही मन ही स्वास्थ्य विभाग के पूरा अमला ला फोन करके माध्यम से मन ला बुलाना भी है करके। और सबसे बड़ी बात मेरे ये निकल के सामने आवत है कि यहाँ हमन महिलाओं मन से पूछे हैं कि आप मतलब खाना वाना बढ़िया मिलते कि नहीं मिले करके, तो वो मन के भी कहना है कि हमला खाना यहाँ अच्छे से नहीं मिले। रात में जो बच्चे रहते वही खाना ला हमला सवेरे खिलाए पर देते करके, और वो छोटे छोटे बच्चा मन पर ना तो यहाँ बिस्किट की व्यवस्था करेंगे, ना चाय की व्यवस्था करेंगे, ना तो दूध की व्यवस्था करेंगे। सबसे बड़े सवाल यह है कि आखिर एक जिम्मेदार हो ही कौन? काबर की यहाँ तो सबसे बड़े प्रशासनिक ग्राम पंचायत में जो प्रशासनिक कर्मचारी जो होते वो होते सचिव, लेकिन सचिव ये मेरे नदारद हावे। काबर की अभी हम लोग जब पता चली थी सचिव यहाँ के भी पदभार ला देखा था वे और ग्राम पंचायत देवरी के लिए भी देखा था वे करके, लेकिन जब हम देवरी में गए रहे तो वहाँ तो हमला कोई दिखी नहीं, तो हमला लगे इसकी शायद खैजा में हुई करके। यहाँ भी हम आ करके देखें तो यहाँ भी हमला सचिव के यहाँ उपस्थिति भी नहीं दिखाई दी। तो हमार संग में अभी यहाँ जो उपस्थित है गुरुजी मन, वो मन से हमन ये चर्चा करबो, वो मन से ही पूछबो कि आखिर जब पंचायत के प्रतिनिधि मन गईस तो गईस कहाँ है करके। सर सबसे पहले न्यूज 36 में आप मन के स्वागत है। सर ये बताइए कई जन गुरुजी मन के ड्यूटी यहाँ लगाई गई है? अब हम लोग सब पारी पारी मतलब 4 जने शिक्षक ड्यूटी करते हैं, सवेरे 6 से 10 बजे तक और 10 से 2 और 2 से 6 और 6 से 2 बजे तक शाम 10 बजे तक। सर ये मेरे जनप्रतिनिधि मन के ड्यूटी भी लगाई गई है शासन के द्वारा, ताकि आपातकाल स्थिति में उमन से संपर्क किया जा सके करके, कहाँ है जनप्रतिनिधि के एक भी आदमी है मेरे? आज तो नहीं दिखा था जनप्रतिनिधि, हम जैसे 10 बजे आए तो उसका टाइम से यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं उपस्थित। आप मन सवेरे 10 बजे से आए, उसके बाद अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए? अभी तक नहीं पहुँचे। सर ये बताइए यहाँ के सचिव कहाँ गए? सचिव भी हमसे मुलाकात नहीं हुई आज के डेट में। आज के डेट में सचिव मुलाकात नहीं हुई? नहीं। एक तो 2 जगह प्रभार दिए गए, देवरी में भी दिए गए, यहाँ भी दिए गए, लेकिन यहाँ भी नहीं है ना वहाँ भी नहीं गए, ताकि सचिव की सही तो किस कहाँ गिसे? सचिव ही पता पाही नहीं करना। सर आप मन कितना समय से ड्यूटी करते हैं? 10 बजे से। सर ये बताइए जनप्रतिनिधि मन कहाँ की बताओगे? जनप्रतिनिधि से बात हुई से सरपंच महोदय जी से जी, तो चांपा में कुछ कार्य से वहाँ हुआ बोली ने सचिव जी आप मन से भेजा तो मैं है ना कहाँ है सचिव बोला तो जानकारी मनी सर महोदय कहाँ है, लेकिन सरपंच से बात हुई से बताया जी ने कि मैं सचिव का फोन करके वहाँ भेजा। अभी कहाँ का व्यवस्था करेंगे स्कूल में? अभी तो खाना वाना खिलाएंगे, खाना वाना खिला के चल दीजिए। लेडीज मन के कहना है कि जो रात के खाना बचे केला हमारा दिया जाते कर वो जानकारी में हमन की नहीं है सर, लेकिन अभी हमन की उपस्थिति में खाना वाना खिला के दी। जैसे कि आप मैंने अभी सुने हैं यहाँ के जो 2 जन जिम्मेदार गुरु जी मल्ला यहाँ जो ड्यूटी में लगाए गए हैं, वो मन तो अपन पूरा बखान बताई है कि 10 बजे से हमन बैठे हैं, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत खैजा के क्वारंटाइन सेंटर में नहीं पहुँचे। सबसे बड़े सवाल है कि आखिर सचिव गीस तक गीस कहाँ? अभी हमार मीडिया के पहुँचे के बाद में क्वारंटाइन सेंटर में हरकम मची से, ओकर बाद यहाँ के गुरुजी मन के द्वारा उप सरपंच ला फोन करेगी कि मीडिया वाला मन आए करके, ओकर बाद अभी उप सरपंच अभी आई से तत्काल मौका मत, अभी हम अपन पूछते कि कैसे है कहाँ है गुरुजी मन के। सर ये बताइए कि अभी गुरुजी मन के केवल ड्यूटी लगाए जनप्रतिनिधि कहाँ कहाँ है?
आप तो सरपंच ने ड्यूटी लगवाए हैं, अब मेरा 75 साल का उम्र है, तो बोले आपका नहीं लगूंगा, आप कहाँ से आपकी, अब पंच बना किसा किसका ड्यूटी लगाया है मेरे को नहीं मालूम, अब आपको तो मैं यहाँ भेज नहीं सकता, बोले जो जने जिन्हें 60 का है इतना 75 साल का उम्र, तो ऐसी जगह मैं आपको नहीं रखूंगा, बोल के सरपंच व्यवस्था किया। सर अभी आप मना है क्योंकि हम मतलब अभी यहाँ बैठे बैठे एक घंटा होगी। अच्छा आप मतलब कैसे पता चले सर, कैसे आ है मैं थोड़ा बताइए। फोन करिए कोई नहीं है, क्या बोली हूँ कि आप आइए ऐसा करके, अगर बाद आप मना है सर आप मन के द्वारा व्यवस्था कैसे क्या का व्यवस्था करेगी। सारा व्यवस्था सचिव सरपंच करी है, बोला बताई दे कि आपका 75 साल है, आप इस जगह में नहीं रह सकते, सरपंच में बात करें तो दिन में नहीं लगी तो कर्म करो। कहाँ किसी सरपंच जी, सरपंच सैजन में है तो कोई नहीं, चापा मोह कहाँ से बताई कि चापा मोह। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा भ्रष्टाचार के पोल मेरे को बोल दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा भ्रष्टाचार के पोल जांजगीर चांपा जिला के बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत खैजा मां निकल के सामने आए हैं। यहां अभी हमन के सामने मैं उप सरपंच जी हर बोली से कि मोर ड्यूटी काबर नहीं लगा करके, तो यहां के जो सरपंच चौक द्वारा स्पष्ट बोले गए कि आप मन की उम्र 75 साल हो गए, तो अभी आप मन घर में आराम करो, आप मन ड्यूटी करे के आवश्यकता नहीं है करके। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये उठते कि अगर अभी क्वारंटाइन सेंटर में कोई ला कुछ हो जाते तो ओकर जिम्मेदार आखिर होई ता हो ही कौन। अभी हम खड़े हैं जांजगीर चांपा जिला के बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरी में, और यहाँ हम आप लोग बता सकते देखें कि अभी कल यहाँ जम्मू कश्मीर के कटरा से कुछ श्रमिक मन आए हैं, जेकर संख्या लगभग 70 के है, और ये मन के कहना है कि अभी हमारे यहाँ सोए भर पंचायत प्रतिनिधि की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करी गई, जबकि शासन के द्वारा स्पष्ट रूप में एक मेन्यू चार्ट बनाए गए हैं जिसमें वो मतलब पूरा जितना सामग्री अभी उपयोग में करना है सबला दर्शाए गए हैं, और मैं स्पष्ट रूप से बोले गए हैं कि जहाँ से श्रमिक आई से मतलब पूरा गद्दा की व्यवस्था करनी है, अगर गद्दा नहीं तो उनका बाकायदा दरी की व्यवस्था करना है। लेकिन अभी हम जब जायजा लेन यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में, तो यहाँ हमारे पता चली कि यहाँ कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करे गए है। रही सवाल उमन के श्रमिक मन की कि अब हमन कॉमन सीता दे करके, तो मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि वो मन के करा जब हम पूछें तो वो मन के भी कहना है कि हमन अपन जो लुंगी और जो गमछा वगैरह जो रखे हैं वही लही बिछा करके मतलब सुवाथन करके, और मन के ये डर है कि कहीं रात के सांप वहाँ मत काट दे करके, और दूसरी बात अभी इतना गर्मी लगा थे लोगों मन ये भी कहना है कि दोपहर की गर्मी तो जो भी है, रात में भी इतना गर्मी लगा थे, अगर कुछ गद्दा की व्यवस्था हो जाती तो हमन एक से थोड़ा सा राहत मिल सकती करके। अभी हम खड़े हैं जांजगीर चांपा जिला के देवरी पंचायत में, और यहाँ के जो सरपंच महोदय है उनकर से हम अपना रूबरू पर आबो और उन्हीं से पूछतन कि आखिर यहाँ व्यवस्था किस तरह से के करें, और क्या इसे कमी पाएगी कि यहाँ गद्दा की व्यवस्था नहीं करेगी। सर सबसे पहले आप मैं स्टेटिस्टिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइए अभी आप मन के गाँव में कितना श्रमिक बनाए हैं? करीब करीब 70 के हैं। वो मन पर व्यवस्था कहाँ करेगी? व्यवस्था रहन बसने की है, इस व्यवस्था को लेकिन कुछ गद्दा कमी है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक भी गद्दा नहीं है, और आप कहते हैं कि कुछ गद्दा है ना, कल ही तो आए सभी एक साथ, व्यवस्था नहीं की गई है, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था। हम लोग 3 दिन पहले भी यहाँ एक बार जायजा लेने आए थे कि क्या क्या कमी घटी हो रही है करके, उस समय भी आप लोगों के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ही बोला गया था कि आज शाम तक ही हम पूरी व्यवस्था कर लेंगे करके। अभी हमारे द्वारा स्पॉट में देखा गया कि जहाँ श्रमिक है उनके लिए एक भी ना तो गड्ढा का व्यवस्था किया गया है, ना उनको सोने का कोई व्यवस्था ही नहीं किया गया। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हो रहा है ना, करेंगे जैसे जो भी बचा है करेंगे। सचिव साहब हैं आपकी पंचायत में? सचिव साहब तो दो जगह प्रभार में, तो यहाँ तो भी एक आदमी आए हैं, परसों आए थे। कितना कितना समय आते हैं यहाँ? वो करीब इसी समय आए थे 12 बजे। और यहाँ अभी देखने नहीं आए? नहीं आए। पंचायत प्रतिनिधियों का कितने लोगों को ड्यूटी यहाँ पे लगाया गया? रोज 4 के हैं। मीडिया यहाँ पे लोगों का कहना है कि महिलाओं का कि यहाँ पे जो भी महिला सोती हैं रात में उनको दिन के बदले में जो धूप लगता है रात में भी ज़्यादा परेशानी होता है गर्मी की वजह से, अगर गद्दा की व्यवस्था हो जाए तो हमारा जो समस्या है कुछ हद तक ठीक हो जाएगा करके। क्या बोलेंगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी शाम तक जैसे भी जितने पड़ेगा उसमें। तो ये थे सरपंच महोदय ग्राम पंचायत देवरी से, जिन्होंने अभी हमको बताया कि शाम तक कुछ ना कुछ करके मैं व्यवस्था करूंगा करके। फिलहाल अभी हमने शासन तक इस बात को लेकर के चलना है और उन्हीं से पूछना है कि आखिर ऐसी क्या कमी आई है इस ग्राम पंचायत देवरी में जो श्रमिकों के लिए, जो 70 लोग श्रमिक हैं उनके लिए गद्दा की व्यवस्था नहीं की गई करके। फिलहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि अब शाम तक इनके लिए व्यवस्था हो पाता है कि नहीं करके। कैमरा पर्सन बबलू निर्मलकर के साथ मैं राम नगारची, न्यूज 36 जांजगीर।